आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विदेशी बाजार की। लगातार हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच विदेशी बाजार हो चाहे फिर भारतीय बाजार हो, इनमें ट्रेड नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव लगातार भारतीय बाजार में तो दिख रहा है। शुक्रवार के सेशन की अगर बात करें, अमेरिकी बाजार हल्की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी था जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में एक इम्पैक्ट पड़ता दिखा। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें जो सेंटिमेंट्स निकल कर आए उन्होंने अमेरिकी बाजार में एक इंपैक्ट क्रिएट किया। आपको बता दें डाउ में 0.5% की तेजी दिखी, वहीं नैसडैक और एसएनपी में भी हमने हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग अच्छी मजबूती पर देखी। इनफैक्ट एसएनपी में भी 0.5% की मजबूती के साथ ही कल बाजार क्लोज हुए हैं। हालांकि पूरे हफ्ते की चाल को अगर देखेंगे तो अमेरिकी बाजार में भी सुस्ती ही रही। चीन में कोरोना की खबरें आना, भारतीय बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, सब में एक चिंता का माहौल पैदा कर लिया। भारतीय बाजार में तो इसकी बड़ी बिकवाली दिखी, लेकिन पूरे हफ्ते में अगर विदेशी बाजार का ट्रेंड भी देखें तो बिकवाली का दबाव ही यहां पर भी नजर आया। और लगातार आपको बता दें 3 हफ्तों से अमेरिकी बाजार में जो सुस्ती का माहौल है वो इस हफ्ते भी जारी रहा। हालांकि शुक्रवार के सेशन में बाजार ने अपने आप को संभाला। ये इंडिकेटिव एक्शंस हो चाहे ट्रिगर्स हो, इतने हावी हुए कि 2008 के बाद अमेरिकी बाजार ने पहली दफा 2022 में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी है। रूस के आउटपुट में कटौती के संकेत से कच्चे तेल की चाल में उबाल जरूर नजर आया है। और बुलियन मार्केट के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे वहां पर सोने चांदी की चाल में मजबूती है। कच्चा तेल करीब 3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है नजर आएगा। तो ये है विदेशी बाजार के संकेत, जहां पर अमेरिकी बाजार में कह सकते हैं हरे निशान के साथ क्लोजिंग रही, हालांकि सुस्ती अब भी जारी, और यूरोपीय बाजार में फ्लैट ट्रेंड रहा। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोविड के नए वेरिएंट BF7 के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने अपने एक्शन प्लान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इसी कड़ी के तहत पूरे देश में 27 दिसंबर को कोविड की तैयारियों को परखने के लिए ड्रिल होने जा रही है। इसमें पूरे देश के कोविड मैनेजमेंट से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे। ये फैसला पीएम की कोविड पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। इसमें प्रधानमंत्री ने राज्यों को दी थी मॉक ड्रिल की सलाह। वहीं कल केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी राज्यों ने मॉक ड्रिल को लेकर सहमति जताई है। मॉक ड्रिल में कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचा जाएगा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस समेत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की जांच भी की जाएगी।